नमस्कार, स्वागत है आपका शिवराज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवाणी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे भोपाल की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज ब्यावरा, अशोकनगर और मुंगावली में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया आज दतिया क्षेत्र के भांडेर दौरे पर रहेंगे और पार्टी के पक्ष में वोट मांगेंगे। उपचुनाव को लेकर बीजेपी नेताओं का तूफानी दौरा लगातार जारी है। सीएम शिवराज आज कई जगह दौरे पर रहेंगे, बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील भी करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया रहेंगे आज दतिया के दौरे पर और अधिक जानकारी के लिए अरविंद चौहान हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अरविंद, लगातार दौरों का दौर जारी है, लगातार हम देख रहे दौर कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान और कई पार्टी के बड़े नेता, कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते, एड़ी चोटी से जोर लगा रहे हैं कि कैसे न कैसे करके फिर से सत्ता में सरकार आए। निश्चित तौर पर कहेंगे जी ऋतु, जिस तरीके से ये उपचुनाव हो रहे हैं, क्योंकि ये पूरे प्रदेश पर उपचुनाव थोपा गया है, उपचुनाव इतना बड़ा नहीं होना था, क्योंकि जैसे ही दल बदल हुआ और सरकार बनी और गिरी, उसी के चलते कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इतना बड़ा उपचुनाव ये हो रहा है। और ये जो साफ तौर पर ये जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये पूरा भाजपा की साजिश है, इसी के चलते इतने बड़े जो उपचुनाव यहाँ पर किए जा रहे हैं, उसी के चलते आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। उसी के चलते भाजपा ये मान रही है कि कोई भी कोर कसर अगर छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान होने की पूरी संभावना बनेगी, इसलिए पूरी सरकार इस समय चुनावी मोड में आ गई है और पूरी ताबड़तोड़ दौरे यहां पर कर रहे हैं, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, जितने भी बड़े नेता हैं, यहां तक कि कल भी हमने बताया था, यहां तक कि रामेश्वर शर्मा जो प्रोटेम स्पीकर हैं उन्हें भी चुनावी दौरे में लगा दिया गया है। वहीं पर कांग्रेस ने सवाल भी खड़े किए हैं कि प्रोटेम स्पीकर जैसे संवैधानिक पद को उनके लिए चुनावी दौरा नहीं लगाया जाना चाहिए, यह कहीं ना कहीं हनन किया गया है। तो एक दूसरी तरफ कांग्रेस का बराबर भी आरोप प्रत्यारोप के साथ भी उनका भी चुनावी अभियान जारी है, उनके जो बड़े नेता हैं कमलनाथ हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, और इसके बाद जीतू पटवारी पूरी मीडिया की कमान संभाले हुए हैं और यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ भी, पूरी प्रदेश में कोई भी घटना या प्रतिघटना होती है या कोई भी यहां से बयान होता है, जैसे ही कल ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान आया था, यहां तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका पलटवार उस पर किया गया है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं 10 तारीख है और बस मात्र कह सकते हैं 22 दिन रह गए हैं मतदान होने में, 3 नवंबर को मतदान होना है, बस यही कह सकते हैं कि परीक्षा की घड़ी है ये। तो अगर इसमें भी कोई भी अगर दल चूकता है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं नुकसान होगा। लेकिन एक बात ऋतु यहाँ पर और कहना चाहेंगे कि इस पूरे जो उपचुनाव में भाजपा ने अपनी एंट्री कर दी है और वो भाजपा की एंट्री इतनी खतरनाक होने जा रही है। अगर भंडार की बात करें तो वहां पर महेंद्र सिंह बहुत जो काफी बड़े नेता कांग्रेस के माने जाते हैं वो भाजपा के टिकट उन्हें मिला है, वहीं दिमनी और मुरैना में भी भाजपा ने वहां पर अपना कैंडिडेट दिया है, वो इतने ताकतवर कैंडिडेट है वो कि वो दोनों दलों को, कांग्रेस को और भाजपा को, दोनों को टक्कर देने की स्थिति में है। और इसी के चलते कह सकते हैं कि भाजपा की एंट्री से दोनों दल परेशान है, लेकिन भाजपा यहां अगर चुनाव मैदान में आती है, आ ही गई है, तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस को ज्यादा होने की संभावना है। और अब एक सूचना और भी मिल रही है कि मायावती भी दौरा दो जनों में, दो पार्टियों में टक्कर का मुकाबला तो था ही, अब बीएसपी मैदान में और पिछली बार हमने देखा था दूसरे नंबर पर वोटिंग में जो है बीएसपी रही थी, इस बार किस तरह के समीकरण नजर आ रहे हैं, क्या कुछ नजर आ रहा है, क्या लगता है बहुत ज्यादा एक्टिव कौन है, लोगों का रुख किस तरफ है? ऋतु, एक जो सामान्य चुनाव होते हैं वो उपचुनाव होते हैं, दोनों में बेसिक अंतर ये होता है कि जो सामान्य चुनाव होते हैं उसमें मुद्दे प्रभावी होते हैं और जो उपचुनाव होते हैं उसमें मुद्दे प्रभावी कम होते हैं। ये चुनाव क्यों हो रहा है ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अगर किसी का निधन हो जाता है तो उसकी सिंपैथी, मतदाताओं की सिंपैथी उसके परिवार की तरफ होती है। अगर हम बात करें कि 2000 जब संजय कटारे का निधन हुआ था, उनके बेटे को हेमंत कटारे थे, उन्हें टिकट दिया और उनकी जीत हुई, तो ये उपचुनाव में और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सामान्य चुनाव में बेसिक फर्क होता है, लेकिन ये चुनाव है, ये थोपा हुआ चुनाव है, प्रदेश की जनता पर थोपा हुआ चुनाव है। इस बार का चुनाव इतना महंगा होने जा रहा है कि एक विधानसभा सीट पर लगभग चुनाव आयोग का 1 करोड़ रुपए खर्च होगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा है कि जितने भी मतदाता आएंगे उन्हें सैनिटाइज तो किया ही जाएगा, साथ में उन्हें मास्क भी दिए जाएंगे और उन्हें और कह सकते हैं कि उन्हें ग्लव्स भी दिए जाएंगे कि जिससे कि वो आराम से मतदान कर सके। तो ये बड़े खर्चे हो रहे हैं और इस खर्चे की पूरी चूंकि जनता का पैसा होता है और जनता का पैसा ही खर्च होना है, तो इतनी बड़ी रकम जो खर्च हो रही है, तो समझदार मतदाता है, जो पढ़ा लिखा मतदाता है, वो इस बात को समझता है कि पूरे प्रदेश पर यह चुनाव थोपा गया है। तो कहीं ना कहीं इसी से कहीं ना कहीं भाजपा को डर भी है और कांग्रेस इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस जा रही है, कह रही है कि जबरदस्ती चुनाव प्रदेश पर थोपा गया है, हमारी सरकार को गिराई गई है। और साफ तौर पर कमलनाथ ने कई बार कहा भी है कि हमारा अपराध बता दीजिए क्या है, सरकार इन्होंने क्यों गिराई, जनता सब देख रही है, जनता के बीच में वो पहुंचे हैं और न्याय की गुहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा गुनाह क्या है, हमारी सरकार क्यों गिराई गई है। अब वो जनता के न्यायालय में है, जनता के दरबार में है, जनता से आग्रह कर रहे हैं और जनता से कह रहे हैं कि हमें आप न्याय दें, वही उनके भगवान है। तो वही भाजपा कह रही है कि कांग्रेस ने काम नहीं किया है और इसीलिए सरकार उनकी गिराई गई है और जो लोग
जितने भी ये प्रत्याशी हैं जो इसमें वर्तमान में भाजपा के हैं वो कांग्रेस के प्रत्याशी कांग्रेस के विधायक थे, तोड़कर आए हैं, कांग्रेस ने सही से काम नहीं किया। भाजपा की तरफ से तो देख रहे हैं हर छोटे बड़े नेता एक्टिव नजर आ रहे हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से फिर से सत्ता में वापस आए। बसपा भी अब एक्टिव हो गई है, पर कांग्रेस कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं पिछड़ते हुए नजर आ रही है। इतनी एक्टिव जितना होना चाहिए था उतनी एक्टिव कांग्रेस अब नजर नहीं आ रही है, तो ये एक्टिवनेस जो ना हो क्या उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है कांग्रेस को? बिल्कुल रितु, सही सवाल किया है। ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर माना जा सकता है कि जिस तरीके से कांग्रेस भाजपा बिल्कुल एक्टिव मोड में है, वो एक्टिव मोड में नहीं बराबर रैलियां धरने और प्रदर्शन के साथ साथ घेरने की कोशिश भी कर रही है, तो वहीं कांग्रेस इस समय साइलेंट के मोड में है। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि कांग्रेस जिस तरीके से भाजपा को पहले भाजपा ने कांग्रेस को घेरा था, कहा था इनके पास प्रत्याशी नहीं है, लेकिन जब कांग्रेस ने प्लटवार करते हुए उन्हीं के लोगों को प्रत्याशी बना दिया है, यह कह सकते हैं कि उनकी हथियार से मारने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, भाजपा को भाजपा के हथियार से मारने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं बस कांग्रेस साइलेंट की स्थिति में है, लेकिन रणनीति जरूर कोई ना कोई बना रही होगी, क्योंकि कमलनाथ एक बड़े बड़े नेता है, दिग्विजय सिंह जी काफी बड़े नेता है, अनुभवी नेता है, उन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, तो कोई ना कोई जरूर वो कोई ऐसी रणनीति बना रहे होंगे जिससे कि ये हो रहा है कि अब उनका रणनीति उनकी क्या होगी, क्योंकि निश्चित तौर पर अगर उन्हें सत्ता में आना है तो 28 की 28 सीटें उन्हें चाहिए जीतने के लिए, जो कह सकते हैं नामुमकिन सा लगता है। लेकिन अब राजनीति का ऊंट किस करवट बैठता है, आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आपको चुनाव हुए तो 70 में से 67 सीट सीधी सीधी आपको नई पार्टी को चली गई थी, तो अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कांग्रेस को रणनीति जरूर बना दी होगी, लेकिन रणनीति दिखनी भी चाहिए, सबसे बड़ी बात न्याय होने के साथ न्याय दिखना भी चाहिए। इसी के चलते कह सकते हैं कि उनकी रणनीति अपनी है, उनके चुनावी दौरे चल रहे हैं, लेकिन वो थोड़े से जो उनका काम करने का तरीका है वो बहुत स्लो है, तो वहीं भाजपा बिल्कुल अग्रेसिव मोड में नजर आ रही है, उनके ताबड़तोड़ इसमें चुनावी रैलियां जारी हैं। जी बगावती तेवर भी हम लगातार देख रहे हैं, शुरुआती दौर से देख रहे हैं और अभी भी जो है बगावती तेवर बहुत ज्यादा दिखने वाले हैं। क्या कुछ चीजें इसमें नजर आ रही हैं, जिस तरह से कांग्रेस से इतने सारे लोग शामिल हुए भाजपा में और हम देख रहे हैं कई दिनों से सिंधिया को घेरे हुए कांग्रेस तो है ही है, तो कितना असर इसका पड़ेगा और बीजेपी में जो शामिल हुए हैं उन पर कितना असर पड़ेगा, जो बीजेपी में ऑलरेडी पहले से है उन पर इसका कितना ज्यादा असर पड़ेगा? देखिए रितु, ये बगावती तेवर दोनों दलों में है और इसका सीधा सीधा उसका मतलब यह है कि जो लोग स्थापित होते हैं और दूसरे दल के लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें जनाब जगह बनाने में तकलीफ होती है। अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा से जो कांग्रेस से जो भाजपा में लोग आए हैं उन्हें अभी स्थापित होने में काफी समय लगेगा, क्योंकि अभी कुछ ही समय 4-5 महीना हुआ है, वो अपने आप को एडजस्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि टिकट दे दिए गए हैं इसलिए बगावत कुछ कम हुई है। और साफ तौर पर यह कहा गया था जब सरकार बनाई थी भाजपा ने, यह कहा गया था कि टिकट उन्हीं को दिए जाएंगे, और साफ तौर पर जो बगावती लोग हैं घात का शिकार नहीं होंगे, ऐसा नहीं लगता है आपको? ये रितु दोनों दलों में है, कांग्रेस में भी है भाजपा में है, तो इसका ज्यादा असर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अगर बगावती कहेंगे तो थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है, लेकिन ये दोनों दलों में है कि भाजपा के लोग कांग्रेस में गए हैं, कांग्रेस के लोग भाजपा में गए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ भाजपा के लोग बगावत है, कांग्रेस में भी बगावत है। बगावत में आप देखेंगे जब से मुरैना में टिकट दिया गया है तो वहां के जो मावई परिवार है उन्होंने पूरे पदों से इस्तीफा दे दिया, अपनी नाराजगी व्यक्त किया और कहा है कि मुझे आश्वस्त किया गया था इससे पहले लेकिन टिकट नहीं दिया गया, इसलिए हम सारे पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि ऋतु दोनों दलों में बगावत है, वहीं पर भाजपा में बगावत के सुर कम उभरते हैं, क्योंकि संघ का यहाँ प्रेशर होता है, बगावती अगर कोई करता है तो उसे दल से बाहर निकाल दिया जाता है। क्योंकि अरविंद, आपके सवाल सीएम शिवराज के कई सारे दौरे आज हैं और कई नेताओं के, कौन कौन से मेन दौरे हैं और क्या कुछ उद्देश्य उसके पीछे है? ये आज सीएम शिवराज सिंह चौहान की कई बैठकें भी आई है, उसमें जो धान खरीदी का मामला है उस पर अहम बैठक की जाएगी, बराबर जो विपक्ष है वो सरकार को घोड़ने की कोशिश कर रहा है, इसी के चलते में आज उनकी बैठक भी है, उसमें जो कह सकते हैं कि जो अधिकारी भी हैं शामिल रहेंगे और उसके बाद बैठक के बाद निष्कर्ष निकाला जाएगा, उसमें जो गड़बड़ियां की उसकी छानबीन की जाएगी, उसकी वो समीक्षा करेंगे। इसके बाद उनके तीन दौरे हैं, मुंगावली जो ग्वालियर अंचल का गुना जिला है वहां वो जाएंगे, इस बार ब्यावरा जाएंगे, मुंगावली जाएंगे और अशोकनगर जाएंगे, तो उनकी तीन आज बड़ी चुनावी सभा है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि बिल्कुल शिवराज सिंह चौहान भी पूरे दमखम के साथ मैदान में है, तो वहीं नरेंद्र सिंह तोमर भी चंबल अंचल में पूरा संभाले हुए हैं, और ज्योतिराज सिंधिया भी आज दतिया दौरे पर जाएंगे। तो ये जितने बड़े नेता हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जो विषम परिस्थिति है वो ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख दांव पर लगी हुई है कि 28 जगह चुनाव होने हैं, अगर सीटें भाजपा को कम मिलती हैं तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद जरूर पार्टी में कम होगा। जी चलिए, लगातार अरविंद नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए।